शायद कुछ कहना ही नहीं आता, कुछ कह ही नहीं पाया मैं रीता से। रीता किसी वजह से परेशान है, तुम उसकी दोस्त हो तो हो सकता है वो तुम्हें बता दे। ये देखो, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। तुम मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें? कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मम्मी अब यहाँ खड़ी है? बेटे सिकंदर, आयजा को फोन तो करो। मैंने उसे कहा था कि मैंने शॉपिंग के लिए बाजार जाना है और ये अभी तक नहीं आई। तुम्हें पता तो है बेटा, बजे और समर आ रहे हैं। मैंने समर और बजे के रूम में कुछ चेंजेस करवानी थी। फोन करो, इसे कॉल करो। जी मैं करता हूँ, आप परेशान रहो। ये इसके फोन की आवाज इधर, ये याद इधर आओ। कहाँ थी? जी मम्मी, कॉल कर रही थी आप। बेटा कहाँ रह गई थी तुम? बताया तो था तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार जाना है। मम्मी मम्मी प्लीज कल चलें, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक। कल चलते हैं। आयजा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम कह रही हो कल चलेंगे? मम्मी मैंने आपसे कहा ना मैं आज नहीं जा सकती हूँ, कभी आप समझ भी जाया करें, कल चले जाएंगे ना, हर बात पे मेरी गलती होती है। ये रीता के पास गई थी ना, परेशान लग रही है मुझे। जी मैं पूछता हूँ एक मिनट, आप इससे क्या मसला है? नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं खुद देखती हूँ इसे। देखिए शहनाज बेगम, आप लोग माशाल्लाह खानदानी हैं, हम आपके हसब नसब से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तसल्ली है हमें, और आपकी बेटी भी माशाल्लाह अच्छी शक्ल सूरत की है, इसीलिए हम अपने बेटे आसिफ को साथ लेकर आए हैं ताकि एक दूसरे को पसंद भी कर लें और चाहें तो बात भी कर सकते हैं, फिर देखें जो अल्लाह की मर्जी। बातचीत? अम्मी क्या क्या हुआ बेटा? तुम्हारा इनहेल का? बेटा जल्दी से लेके आओ। बस 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 आगे आगे, ये लो जल्दी से, जल्दी से लो। ठीक हो? आंटी पहली मुलाकात के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हमारी अभी सिर्फ पहली मुलाकात हुई है, मुझे थोड़ा सा आपको आसिफ को और जानने का मौका दीजिए प्लीज़। अच्छा तो बेटा आप हमारी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारे ख़ानदान पे कोई शक और शुबा है? नहीं नहीं, दानियाल की बात का हरगिज़ ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो फिर और क्या मतलब है? देखें शहनाज बेगम, मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ कर आया और वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। आपकी बेटी वो पहली लड़की है जिसको मैं अपने बेटे के लिए देखने आई हूँ, और मैं जानती हूँ आपकी बेटी की खानदानी मंगनी टूट चुकी है। Excuse me. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं जरा एक फोन कॉल सुन के आता हूँ। जरूरी कॉल करनी है। चलो आसिफ हम लोग भी चलते हैं, हम भी कोई इतने फारिग नहीं यहाँ बैठे रहे, इन लोगों की नफरत तो देखो। वैसे भी इनकी बेटी अस्थमा की मरीज, पहले ये खानदानी मंगनी टूटी हुई, और चले हमारी इंक्वायरी करवाने। चलो जब मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे
उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो रीता ही वो लड़की है जिसे दिल ही दिल में दानिहाल चाहता था। वो रीता की मोहब्बत थी जिसने कभी मेरे जज्बों की आंच तक दानिहाल के दिल तक नहीं पहुंचने दी। मैं उससे बात करूंगी। कौन? अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, रो क्यों रही हो? अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों की असलियत पहली ही मुलाकात में खुलकर सामने आ गई। मेरी मानो, वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। सच में अम्मी, वो लोग मेरे काबिल नहीं थे या मैं उनके काबिल नहीं थी? देखा अम्मी आपने, लोग और जमाना कितना बुरा है। कैसे आईने की तरह हमें हमारी सूरत दिखा देता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो? अम्मी, आपने किसी की नेक और मासूम लड़की के बेवा होने की वजह से उसको नापसंद किया, तो क्या कुदरत आपकी बेटी के ठुकराए जाने की कहानी को राज रखेगी? रफिया, तुम कहाँ की बात कहाँ ले गई? अम्मी, मैं कौन होती हूँ बातों को मिलाने वाली? ऐसी तल्ख हकीकतों के सिरे तो अल्लाह ताला खुद मिला देते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने बेटियों से बहुत मोहब्बत की है, ख़ास तौर पर उन बेटियों से जो बचपन में यतीम और जवानी में बेवा हो जाती हैं। अम्मी, ये तो हम लोग हैं जो बहुत खुदगर्ज हैं, ऐसी बेटियों के हकूक नहीं जानते। ज़्यादा देर नहीं गुजरी अम्मी, हमारी पकड़ तो अल्लाह ने बहुत जल्द कर ली। पहले आपने रिदा को ठुकरा दिया था ना, आज किसी और ने आपकी बेटी को ठुकरा दिया। रफिया, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अम्मी, अल्लाह से डरे, ये कोई फजूल बातें नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताएं, जब आपकी बेटी दूसरी तीसरी दफा ठुकराई गई है तो क्या आपका दिल नहीं तड़प रहा? छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अब मेरा मत करो, लाख समझाया है तुम्हें तो असर ही कोई नहीं। मुझे कोई समझाने की कोशिश ना करे, मैं किसी की भी खातिर अपने खानदानी असूलों और रवायात और अपने ख्यालात को कभी नहीं बदलूंगी, चाहे तुम दोनों सारी जिंदगी कवारे बैठे रहो। ना तो मैं तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़का और ना तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़की पसंद करूं, समझे तुम दोनों? अम्मी, आपने किसी की नेक और मासूम लड़की के बेवा होने की वजह से उसको नापसंद किया, तो क्या कुदरत आपकी बेटी के ठुकराए जाने की कहानी को राज रखेगी? रफिया, तुम कहाँ की बात कहाँ ले गई? हमारी पकड़ तो अल्लाह ने बहुत जल्द कर ली। पहले आपने रिदा को ठुकरा दिया था, आज किसी और ने आपकी बेटी को ठुकरा दिया। अम्मी,
मम्मी आप नाश्ते के लिए नहीं आई, आपकी तबीयत ठीक है? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा फिर चाय पी लें। मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे बॉदर मत करो। भाई, अम्मी हम दोनों से बहुत परेशान हैं। वो तो मुझसे चाय भी नहीं ले रही और तो नाश्ता करने से भी इनकार कर रही हैं। क्यों, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने तो इस बारे में कोई बात नहीं की मुझसे। भाई मैंने जो बार बार बात की है, तुम्हें अपने मामले के साथ साथ मेरा मामला नहीं जोड़ना चाहिए तरफ है। क्यों भाई, आपका और मेरा खून एक नहीं है क्या? मेरा ख्याल रखने के लिए आप अपना आराम कुर्बान कर सकते हैं, मेरे लिए किसी का कहा हुआ सख्त लफ्ज आपको तड़पा देता है, तो फिर मुझे आपका दर्द कैसे महसूस नहीं होगा? भाई आपका साथ देने का तो अहद मैं कर चुकी हूँ और अभी तो मोहब्बत के महाज पर जंग छिड़ी है और अब दिल पर कितने तीर लगते हैं, सीना कितना जख्मी होता है, इसका पता तो वक्त के साथ साथ ही चलेगा। देखो अभी अमीना तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, इसलिए मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाह रहा, इसलिए अभी मेरे बारे में ना बात ना करना उनसे, मैं मुनासिब वक्त देख के ना इस टॉपिक पे खुद बात करूंगा। मुझे कोई समझाने की कोशिश ना करे, मैं किसी की भी खातिर अपने खानदानी असूलों और रवायात और अपने ख्यालात को कभी नहीं बदलूंगी, चाहे तुम दोनों सारी जिंदगी कवारे बैठे रहो। ना तो मैं तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़का और ना तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़की पसंद करूंगी, समझे तुम दोनों? समझाने की कोशिश ना करें, मैं किसी की भी खातिर अपने खानदानी असूलों और रवायात और अपने ख्यालात को कभी नहीं बदलूंगी, चाहे तुम दोनों सारी जिंदगी कवारे बैठे रहो। ना तो मैं तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़का और ना तुम्हारे लिए कभी कोई मामूली लड़की पसंद करूंगी, समझे तुम दोनों? तेरे मर जाने साई ते जूते अनु मार मुकावे बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलादा खावे तू। हेलो। वाह जी, अब अनजान भी बनना आ गया है आपको। खैर रिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, अब प्लीज मजीद कोई झूठे बहाने मत बनाओ। उसने बता दिया तुम्हें सब? तो वो मेरी दोस्त है दानियाल। सॉरी। अच्छा खैर बताओ क्या इरादे हैं, आप शादी कब कर रहे हो? शादी अम्मी ने इनकार कर दिया है। व्हाट, लेकिन क्यों? आयजा मैं आके बताऊंगा सब। अच्छा अच्छा तुम टेंशन ना लो और तुम्हें आने की भी कोई जरूरत नहीं है,
मैं और भाई अभी आते हैं। तुम लोग यहाँ? हाँ तो और, हम नहीं आ सकते? तुम्हारे कुछ लगते हैं या नहीं? तुम्हारा हाल पूछने आएंगे? नहीं नहीं, मैं तो यही बोल रहा था। बिल्कुल तुम लोग आओ, अपना ही घर है तुम लोगों का। ओके, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, फिर मैं भाई से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके ओके बाय। विधा, तुम आज भी जॉब पे नहीं गई? क्या तुमने वाकई जॉब छोड़ दी? जी मैम, मुझे ये जॉब नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आप नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? ये तो बस ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी जॉब, पता नहीं अब तुम्हें कब और कहाँ मिलेगी। माँ, मैंने सिर्फ जॉब छोड़ी है, लेकिन आयजा से दोस्ती तो रहेगी ना मेरी। बेटा, एक तो मुझे तुम्हारे ये जज्बाती फैसले समझ में नहीं आते। आखिर क्या बात हुई है? तुमने क्यों जॉब छोड़ी है, बताओ तो सही। कोई बात नहीं है रीदा, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्तों की तरह पाला है ना। हमने अपनी परेशानियां, मुश्किलें एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, अब क्यों नहीं बेटा, बताओ तो सही। मम्मी, मुझे अब कभी शादी नहीं करनी, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मुझे शादी का पैगाम ना भेजे। शादी का पैगाम? वो दानियाल है ना, मुझे शादी के लिए कहा है, उसकी जरूरत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने के लिए? जॉब पर जाती हूँ, तुमने इसे सोचा भी कैसे? विधा, विधा, शादी का पैगाम? भाई, आप मेरे साथ चल रहे हैं दानियाल की तरफ या नहीं? ऐसा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये उनके घर का मामला है, क्या हमारी दखल अंदाजी मुनासिब होगी? भाई, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त की खुशी और जिंदगी का अहम तरीन मामला है, और उसकी मदद भी सिर्फ हम कर सकते हैं। ऐसा मम्मी को बुरा लग सकता है, वो पहले ही दानियाल को और तुम्हें लेकर बहुत टची हो चुकी है। मम्मी से मैंने बात कर ली है। भाई, मैं और दानियाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे आगे का रिश्ता मैं जबरदस्ती तो नहीं बांध सकती थी ना। ये बात मम्मी को भी मैंने समझा दी, आप भी समझ रहे हैं ना, वो मुझसे नाराज है और ना दानियाल से। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको मजे की, मम्मी को तो वैसे ही रिदा बहुत पसंद है, कह रही थी इतनी प्यारी बच्ची को तो मैं खुद बहू बना लेती अगर ये दानियाल वाली बात ना होती बीच में। मैं दानियाल को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, उसे नहीं कॉल करनी आपने, इस तरह अचानक से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, और आंटी को भी शक नहीं होगा कि हम शायद प्लान बना के आए हैं।
वैसे भाई, दानियाल से पहले हमें ज़ैनब आंटी और रिदा को भी मिलना होगा। उनकी तरफ क्यों जाना, पहले शहनाज आंटी को तो मना ले। नहीं नहीं, उसे मैं इसलिए नहीं मिल रही, वो पागल जॉब पर ही नहीं आ रही, उसे भी तो समझाना है ना। आयजा, इस काम के लिए तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। भाई आपको तो साथ चलना पड़ेगा, शायद आपकी बात मान जाए। क्यों, मेरी बात क्यों मानेगी वो? वो आपकी बहुत इज्जत करती है ना। नहीं, मैं बिजी हूँ। भाई कोई बिजी बिजी नहीं है, आप मेरे साथ चल रहे हैं, उठे चले। आयजा चले ना, चल लेट हो जाएंगे। बाबा आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, मैं जाता हूँ ना, भाग के डॉक्टर को ले आता हूँ। क्या हो गया रहीम चाचा, डॉक्टर के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे अब क्या? बाबा लगता है ये जख्म तो अब खराब हो गया। कुछ जख्म बहुत गहरे होते रहीम चाचा, इतने आराम से ठीक नहीं होते। अच्छा आप ऐसा करें, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के ले आए, तब तक मैं ड्रेसिंग करता हूँ। कॉफी तो मैं ले आता हूँ बाबा, लेकिन ये तो बताएं आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रहीम चाचा ये जख्म एक एक्सीडेंट का नतीजा है। बाबा मैं इन नजर आने वाले जख्मों की बात नहीं कर रहा। प्लीज कॉफी ला दे। ठीक है बाबा, जाता हूँ। जिन जख्मों की तरफ तुम इशारा कर रहे हो रहीम चचा, अभी तो वो बहुत मामूली हैं, मगर मैं जानता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो ठीक नहीं होंगे, बल्कि घाव ही बनते जाएंगे। शहनाज बेगम बहुत रिवायती और सख्त औरत है, इसलिए वो रिदा के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप साहब को दोबारा अस्पताल ले जाएं, वो आपको बताते नहीं, मगर मैंने देखा है उनके जख्म ठीक होने की बजाय खराब हो रहे हैं। मुझे अब कभी शादी नहीं करनी, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मुझे शादी का पैगाम ना भेजे। शादी का पैगाम? वो दानियाल है ना, उसने मुझे शादी के लिए कहा है, उसकी जरूरत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने के लिए? मैं जॉब पर जाती हूँ, उसने सोचा भी कैसे? Okay.
ये देखो दर्जी ने फिर मेरे कपड़े खराब कर दिए, हालांकि तुम उसको समझा के भी आई थी। फिर भी अम्मी मैं उसको समझाती तो हूँ, आपको तो पता है उसे समझ कहाँ आती है। रहीम बाबा। अजीब है साहिबा, कॉफी किसके लिए लेके जा रहे हो? साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉफी कमरे में ही मंगवाई है। क्यों, भाई को क्या हुआ है? छोटी बीबी, आप साहब को दोबारा अस्पताल ले जाएं, वो आपको बताते नहीं, मगर मैंने देखा है उनके जख्म ठीक होने की बजाय खराब हो रहे हैं। बहुत तकलीफ में है साहब। भाई ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। साहब को और दुख कम है क्या? बेगम साहिबा, आप समझ जाए ना। हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम तुम्हारे जाने से दानियाल भी बहल जाएगा। लेकिन हाँ, दानियाल और रिदा की शादी की बात तुम दोनों मिलकर भी शहनाज भाभी से नहीं मनवा सकते। मम्मी, शहनाज आंटी बहुत स्वीट है, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, आई एम श्योर। आयजा बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे मामले में स्वीट है, और अपना मामला तो तुमने खुद ही खत्म कर दिया। क्या हो गया आपको? बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शहनाज बेगम बहुत रिवायती और सख्त औरत है, इसलिए वो रिदा के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। चले वो मेरी बात तो शायद टाल दें, लेकिन आपकी बात तो कभी नहीं टालेंगे। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? मम्मी आप भी चले ना मेरे साथ। नहीं भे नहीं, मुझे इस मामले से दूर ही रखो, ये माँ बेटे का मामला है। अच्छा, तो मतलब आप दानियाल को अपना बेटा नहीं समझती, बस ऐवी बातों बातों में उसे बेटा बोलती रहती हैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स मत बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। मम्मी सोचना क्या है, बस तैयारी करें, चलते हैं। आयजा अब इतनी भी भगदड़ ना मचाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो, तुम्हारे पापा से बात करने दो बेटा। मम्मी पापा को अभी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उन्होंने कौन सा कभी हमें रोका है वहां जाने से। फिर भी बेटा बताना तो पड़ेगा, और रिदा की माँ भी तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, खाली शहनाज भाभी को मनाने से क्या होगा? शहनाज आंटी मान जाए तो उन दोनों को मनाना मेरा काम है। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है बेटा, तुम अपनी प्लानिंग किए बैठी हो, मुझे पहले तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, और फिर जाने से पहले जैनब बहन से भी बात करके जाऊंगी मैं। लेकिन मम्मी जैनब आंटी से क्यों, मेरे शहनाज आंटी तो मान जाए। आयजा वो बेटी की माँ है, और बेटी के रिश्ते की बात उसके कान में डालना जरूरी है, समझी तुम? भाई आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल एडमिट हो जाना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस मैंने कुछ दिनों से ड्रेसिंग चेंज नहीं की थी तो इन्फेक्शन फैल गया बस। जी, और इस इन्फेक्शन फैलने की वजह से आपको बहुत तेज बुखार हो गया है ना? तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं अपना इलाज खुद कर रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। तो फिर आप अपने दिल का भी इलाज कर लें। कोशिश कर तो रहा हूं, तुम तो जानती हो ना कि दिल लगी का इलाज किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं बल्कि वक्त के हाथों में होता है। कर रहा हूं कोशिश।
वैसे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ क्या पढ़ाएंगी। सर मैं कुछ भी पढ़ा लूँगी, कोई भी सब्जेक्ट, मुझे मैथ्स भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार मुझे चांस देकर देखिए, मैं अपने आप को बिल्कुल सही प्रूव करूँगी। वैसे मेरे पास वाइस प्रिंसिपल की सीट खाली है और मैं सोच रहा हूँ आपकी टेबल अपने ऑफिस में ही लगवा लूँ, क्या ख्याल है आपका? जी सर। जी आप अनमैरिड? लगता है अनमैरिड ही थी, चली गई है। हेलो। हाँ ऐसा, तुम हमारे घर पर हो? चलो ठीक है, मैं भी बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। बात तो सुने, खैरियत है? अकेली कहाँ से आ रही हैं आप? वो अकेले कहीं भी ना आया जाया करें, जमाना बड़ा खराब है। हम भी फारिगी होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। कसम से हम बड़े शरीफ लोग हैं, और आप हम पर भरोसा कर सकती हैं? अरे बात तो सुने, कुछ जवाब तो दें। मोहल्लेदार होने की हैसियत से आपका हम पर भी तो हक है, क्यों भाई? हम भी फारिगी होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। हमसे भी काम करवा लिया करें, यहीं बैठते हैं रोज। बात तो सुनो। अरे यार यार,